हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग आवर यूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिफैटिक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके रूल्स पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे। इस वीडियो में हम लोग इसके केवल एग्जांपल्स देते हैं। 8 एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। इसके आगे के एग्जाम्पल्स ये सभी वीडियो पॉज करके नोट करने हैं और उसके बाद में हम इसकी नेमिंग करेंगे, मेन चेन सेलेक्शन करेंगे। आप लोग इसके एग्जांपल्स नोट कीजिए, ठीक है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रूल बताया था कि अगर रिंग पर ओपन चेन मौजूद हो तो हमें दोनों में से किसी एक को मेन चेन सेलेक्ट करना होता है, और उसके लिए रूल्स बताए थे कि सबसे पहले हमें देखना होगा फंक्शनल ग्रुप, जो कि अभी मैंने लिए नहीं है। उसके बाद देखना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इस पर कहीं मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद देखना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ ये 4 कार्बन की ओपन चेन है और यहाँ 3 कार्बन की क्लोज चेन है, तो मेन चेन यहां होना चाहिए ये ओपन चेन, ठीक है। ये मेन चेन होना चाहिए, नेमिंग हम लोग बाद में करेंगे। इस एग्जाम्पल में अच्छा इसकी मेन चेन ये है, नंबर यहीं से कर ही देता हूं। 1, 2, 3 and 4 वन पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नेम है साइक्लोप्रोपाइल। यहां 6 कार्बन की रिंग है, यहां 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की ओपन चेन है। ऑब्वियसली इसमें कार्बन ज्यादा है तो इसी को मेन चेन मानेंगे। अभी मैं मेन चेन की नंबरिंग कर देता हूं, नंबरिंग 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 इस तरह से की जा सकती थी। इसमें दोनों देखिए, दोनों इसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस दी जाती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से ज्यादा, इसलिए मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होने के कारण ये मेन चेन हुआ। और इस मेन चेन में नंबरिंग यहां से होगी क्योंकि वन पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है। अगर आप नंबरिंग यहां से करते तो मल्टीपल बॉन्ड 2 पोजीशन पे आता। इस केस में ये मेन चेन होगी चाहे कार्बन एटम कम हो, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है। नंबर यहां से करनी चाहिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड को 1 नंबर देना है और सब्स्टिट्यूएंट भी 1 नंबर पोजीशन पे आ जाए तो बहुत अच्छा। इस एग्जांपल में मल्टीपल बॉन्ड इस चेन में ज्यादा है तो ये मेन चेन हो गया। और नंबरिंग यहां से करता हूं क्योंकि नंबरिंग यहां से करोगे तब भी डबल बॉन्ड को तो 1 and 3 नंबर मिलेगा, इस जगह से भी 1 and 3 मिलेगा, बट इस केस में 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करें तो 1-2-3-4-5 and 6-। एग्जाम्पल नंबर 14 लेते हैं। 14 में मेन चेन सेलेक्ट करना है तो पहले मल्टीपल बॉन्ड देखना है, वो नहीं है। फिर कार्बन एटम्स देखना है, कार्बन एटम्स भी इक्वल है, यहां भी 4 कार्बन एटम्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स दोनों पर ही नहीं है। अगर इन सभी कंडीशंस को सेम माना जाए तो फिर रिंग को मेन चेन माना जाएगा। ये मेन चेन है 1, 2, 3, 4, इसकी नंबरिंग की है, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूएंट इस पे मान देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 में ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की रिंग है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन की ओपन चेन है। अगर दोनों पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो दोनों पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो हमें सब्स्टिट्यूएंट देखना चाहिए। इस पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इस ओपन चेन की बात करें तो इस पे सब्स्टिट्यूएंट 2 है, तो ये ही मेन चेन हुआ। 1, 2, 3, 4, 5 ये मेन चेन होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 17 में 4 कार्बन की रिंग और 1, 2, 3, 4 कार्बन की ओपन चेन, इस पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है और इस ओपन चेन पर भी सब्स्टिट्यूएंट 2 ही है। अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो हम लोग रिंग को मेन चेन मानते हैं, ये नहीं देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि सब्स्टिट्यूएंट का नेम क्या है। तो ये रिंग मेन चेन है, इसकी मेन चेन ये रिंग ही होगी। हाँ, अब इसकी रिंग की नंबरिंग करें तो यहां से भी की जा सकती है 1, 2 और यहां से भी की जा सकती है, बट यहां इस पोजीशन पे नंबर 1 पे आ रहा है क्लोरो, और जबकि यहां से नंबरिंग करेंगे तो नंबर 1 पे आ रहा है 2-ब्रोमो-ब्यूटाइल। यहां से नंबरिंग होगी और 1-2-3-4- ये ब्यूटाइल ग्रुप है जिसकी 2 पोजीशन पे ब्रोमो अटैच्ड है। एग्जाम्पल नंबर 17 देखें तो नंबरिंग होनी चाहिए यहां से, क्योंकि ब्रोमो को क्लोरो से ज्यादा प्रिफर किया जाएगा क्योंकि वह अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। इस एग्जाम्पल में अगर नंबरिंग करें तो नंबरिंग होनी चाहिए क्लोरो से, क्योंकि लोएस्ट सेट इसी पोजीशन से आ रहा है
लुविस सेट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसी पोजीशन से आ रहा है 1, 1 and 3, जबकि यहां से नंबरिंग करते तो 1, 3, 3 इस तरीके से इनकी नंबरिंग होती, तो लोएस्ट पोजीशन इसी तरीके से आनी चाहिए। नेक्स्ट, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा एग्जांपल्स को लिखो, इनकी नंबरिंग करो, मेन चेन सिलेक्शन करो, अब इनके आप नेमिंग कीजिए, क्योंकि कुछ रूल्स मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं। मैं आपको इसके आगे की नेमिंग करता हूं, आप लोगों को पहले वीडियो पॉज करके नेमिंग करनी है। एग्जाम्पल नंबर 9th में नेम होना चाहिए 1-cyclopropyl-butane, 1-cyclopropyl-butane। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10th में नेम होना चाहिए 1 पोजीशन पर है पेंटाइल, तो मैं 1 नहीं लिखता, 1 लिखोगे तो भी चल जाएगा, पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन, पेंटाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11th में मेन चेन ये कहा, तो 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नेम है 3-butyl-propene, प्रोपीन भी कह सकते हैं, प्रोप 1 इन कहे तो भी चल जाएगा, तो वैसे प्रोपीन होगा तो 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो नंबर यहां से स्टार्ट करते, उस केस में 1-butyl लिखते हैं, तो प्रोपीन से भी काम चल जाएगा। इसमें 1 पोजीशन पर है पेंटाइल, 1-pentyl-cyclopropene, साइक्लोप्रोपीन इसका नेम होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13th में मेन चेन इसे माना है, तो 1 पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है तो नेम होना चाहिए 1-cyclohex-3-ene-aryl, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नेम जो कि 1 पोजीशन पर है, इसे ब्रैकेट में लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो इसलिए, और फिर नेम होना चाहिए ब्यूटा डाइईन या ब्यूटा 1,3-diene, इस तरीके से इसकी नेमिंग होनी चाहिए। एग्जांपल नंबर 14th में, 14th एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट है ब्यूटाइल जो कि 1 पोजीशन पर है, तो नेम हो गया ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। एग्जांपल नंबर 15th में नेम है, 15th का फर्स्ट पोजीशन पर है साइक्लो पेंटाइल, 2 पोजीशन पर मिथाइल पेंटेन, मिथाइल पेंटेन। एग्जांपल नंबर 16th में नेम हो गया 1 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नेम है 2-bromo-butyl, देन 2-chloro-and-cyclobutane, 4 कार्बन है इसलिए साइक्लोब्यूटेन। एग्जाम्पल नंबर 17th में अल्फाबेटिक ऑर्डर में ब्रोमो को पहले लिखना चाहिए, तो नेम हो गया 1-bromo-3-chloro-cyclohexane, 1-bromo-3-chloro-cyclohexane। एग्जाम्पल नंबर 18th में नेम होना चाहिए 3-bromo-1-1-dichloro-cyclohexane। इस वीडियो में इतने ही एग्जांपल्स देते हैं, इसके आगे के एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ओके, थैंक यू।